हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तहसीलदार सांकला ने मृत भोज पर कार्रवाई करते हुए 51,000 का जुर्माना वसूला, भोजन को जब्त कर जरूरतमंद एवं गरीबों में बांटा। सोजत क्षेत्र में कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, परंतु क्षेत्रवासी सरकार की गाइडलाइन को अनदेखा कर रहे हैं। एक ओर सोजत तहसीलदार मृत भोज खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, मगर फिर भी प्रतिदिन कहीं न कहीं मृत भोज का आयोजन होना आम बात सी हो गई है। परंतु तहसीलदार दीपक सांकला भी अपना कर्तव्य निभाते हुए लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को निकटवर्ती ग्राम रामासनी बाला में पूर्व सरपंच जयराम के निधन के बाद करीब 500 लोगों का भोजन बनाया गया था, परंतु तहसीलदार दीपक सांकला को जब इसकी भनक लगी तो वो तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तहसीलदार सांकला को देख लोग इधर उधर गलियों में भागने लगे। सांकला ने कार्रवाई करते हुए 51,000 का जुर्माना वसूल किया, वहीं भोजन को जब्त कर गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटा गया। जागरूक टीवी की सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।